पंजाब जालंधर के हरिपुर से 50 सदस्य जत्था हर वर्ष की भांति इस बार भी उर्स से पूर्व दरगाह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए पिछले 10 दिनों से अजमेर आया हुआ है। इस दौरान जत्थे द्वारा रास्ते में जगह जगह लंगर का आयोजन भी किया जा रहा है। हर एक दिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ख्वाजा जी का मंदिर ख्वाजा जी के जरिए उन्होंने रहमत के नाल होने लगे। कितने सालों से आप यहाँ पे आ रहे हैं? 45 साल। और क्या प्रोग्राम रहता है आपका यहाँ? साडा पखीरां दा प्रोग्राम आ, पखीरां दी आ संगत आउंदी आ, जिद्दां आउंदी आ खाई जांदी आ लटाई जांदी आ। बस जत्थे में कुल कितने हैं जी? कुल कितने व्यक्ति आए जत्थे में? 50 मैं अनगिनते बच्चे आ मेरे तो बच्चे तो मेरे अनगिनते ही इत्थे आए 50। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पंजाब से पिछले 50 साल से अपने पीरों मुर्शद बीबी जी के रहनुमाई हेठ 50 बंदों का जथा इस साल भी पिछले साल की तरह सारे ख्वाजा गरीब नवाज जी के स्थान पर नतमस्तक होने आए हैं। हम पिछले 50 साल से ही बीबी जी हमारे जो पीरों मुर्शद हैं सब धर्मों का सत्कार करते हैं। वो ख्वाजा जी के मजार पर भी नतमस्तक होने जाते हैं, गुरुद्वारा में भी नतमस्तक होने जाते हैं और मंदिरों में भी नतमस्तक होने जाते हैं। वो सभी धर्मों का सत्कार करते हैं, सभी का सत्कार करते हैं और सभी को एक बराबर समझते हैं। हम सभी लोगों का जो भला चाहते हैं। तो हमारे पिछले 50 साल से जहाँ जितने भी अगलाबाड़ी के संगत है बहुत प्यार करती है। हम जब इधर से जाते हैं तो बहुत प्यार से हमें बधाई देते हैं, फिर दोबारा अगले साल फिर दोबारा इंतजार करते हैं कि दोबारा बीबी जी फिर आए तो हमें दोबारा दर्शन दें। कितने दिनों तक ये जत्था यहाँ रहेगा? हम यहाँ पर 10 दिन 8 दिन का हमारा यहाँ पर प्रोग्राम होता है। क्या क्या प्रोग्राम चलते हैं 4 दिन? हम इस प्रोग्राम में पहले ख्वाजा जी की दरगाह पर नतमस्तक होते हैं, उसके बाद तारागढ़ जाते हैं, एक दिन हम अनासागर जाते हैं, एक दिन जहाँ पर भंडारा करते हैं और आसपास के जितने भी लोग हैं गली मोहल्लों के सभी आते हैं और जहाँ जितने भी मंदिर हैं बालाजी का मंदिर और शिव मंदिर और अपने माता जी का मंदिर उन सभी के स्थानों के दर्शन पहले हम करते हैं। सब क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय होता है। पूरे साल हम इनका इंतजार करते हैं और एक बहुत ऊर्जामयी वातावरण यहाँ हो जाता है और सब धर्मों का ये वहाँ भी इनके डेरे पर जाके देखें तो कन्या पूजन करवा चौथ और सब त्योहार वैसे ही मनाए जाते हैं। अब सर्व धर्म की सौहार्द और सांप्रदायिकता की बेमिसाल मूर्त है जी। और हम सब क्षेत्रवासियों के लिए बहुत गर्व का विषय कि हम इनके दर्शन का लाभ उठाते हैं हर साल आके और बिल्कुल सब धर्मों का पूरा आदर सत्कार और विशेष तौर से कन्याएं स्त्री शक्ति सबके लिए बहुत पूजनीय है। हमारे बीच में जो पंजाब से बीबी जी पिछले 50 सालों से आ रही हैं गुलाबबाड़ी क्षेत्र में, उनकी तरफ से आज लंगर रखा गया था। उससे पहले सुबह 11 बजे से महिला मंडली द्वारा भजन का आयोजन किया गया था और हमारे बीच में जब बीबी जी आती हैं तो हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि एक सद्भावना लेके आती है साथ में, सर्व धर्म सद्भावना उनके मन में होता है। उनके मन में कोई जाति पाति नहीं है। वो ख्वाजा गरीब नवाज जी के भी जाते हैं तो माता रानी के मंदिर के दर्शन भी करते हैं तो शिव जी के मंदिर भी जाते हैं और अभी गुलाबबाड़ी में हमारे नया बालाजी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो सर्वप्रथम वो वहाँ जाके अपना शिष्य उगाती हैं। वो हमें बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर कोई जाति पाति नहीं है, एक तरह से पूरे सद्भावना की भावना को लेके यहाँ पे आना उनके लिए बहुत अच्छा और हम सब में एक अच्छी मिसाल भी कायम होती है कि कहीं ना कहीं जाति पाति होनी नहीं चाहिए, सब एक मिसाल मिल कर रहे हैं। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।